ठीक बट्टा नहीं निकले दिया या झंडा नहीं झुकने दिया, इन सब बातों को लेकर के वो जब वापस आ जाते हैं तब उन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 1932 को क्या किया, दोबारा सब आंदोलन की घोषणा की, वो आंदोलन की घोषणा क्या हुआ, यह एक इसको घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद 4 जनवरी 1932 से क्या किया, इस आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया। 4 जनवरी 1932 से शुरू होता है और 34 तक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 4 जनवरी 1932 को यह आंदोलन शुरू करता है और तब सरकार ने क्या किया, जो अंग्रेजों की सरकार उन्होंने कहा अब वायसराय दिल्ली तो है नहीं, अब वायसराय कौन हो गया, बैरिकेटर, बैरिकेटर जो है वो कहता अच्छा इनसे आप उस समय में क्या आंदोलन चालू कर दिया, अब नहीं आपकी बात चलने देंगे। उसने दमनकारी नीतियां अपनाई, दमनकारी नीतियां अपनाई है और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था को ने क्या किया, उसने दमनकारी नीतियां अपनाई और कांग्रेस को गैर सरकारी या गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इसी बात पर समस्त राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया, लगभग 1,20,000 लोगों को उसने जेल में कैद कर दिया, बंद करवा दिया था, जिसमें गांधी जी को यवदा जेल में बंद किया, ध्यान रखना गांधी जी को यवदा जेल में बंद किया और द्वितीय गोल में सम्मेलन में एक निर्णय आया कि जो अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन के लिए क्षेत्र मांग रखा था, अंबेडकर का पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर क्षेत्र दिया जाने लगा मुस्लिमों को, देखो पहले से मुस्लिम और सिखों को तो अल्पसंख्यक में घोषित किया ही जा चुका था लेकिन दलितों को भी अल्पसंख्यक में घोषित कर दिया गया और इन सबको क्षेत्र क्षेत्र के अनुसार बांट दिया गया। जब ये बात यरवदा जेल में बंद है महात्मा गांधी को पता चलती है तो महात्मा गांधी ने वहीं पर देख कर बंटवारे करने के कारण उन्होंने अमरण अनशन शुरू कर दिया। पहले तो यहीं पर लिखो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। और डेट की बात कराएं तो 7 अप्रैल 1934 कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया, समस्त राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर, समस्त राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया क्योंकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से ना चला। लेकिन उस समय की स्थितियां आपको बता दें, उस समय विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही, मंदी चलने के कारण स्थितियां ऐसी हो गई थी कि लोग आंदोलन में भाग ही नहीं ले पा रहे थे और इसमें जो देखा जाए तो विश्वव्यापी मंदी के कारण इंडिया पैदावारों के दाम गिर गए थे, माल उठाने का बोझ उनके लिए असहनीय होता चला जा रहा था। फिर तब भी उसी समय लोग साथ नहीं दे पाए थे, 7 अप्रैल जब देखा गांधी जी ने देखा कि कोई लोग अब इसमें मन से काम ही नहीं कर रहा है, जब काम न करने के कारण 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक नीचे लिए गांधी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया, गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया।
इस काल को अध्यादेश का शासन काल कहा जाता है। इस काल को अध्यादेश का काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। इस काल को अध्यादेश का काल कहा जाता है क्योंकि अध्यादेश के माध्यम से ही इन्होंने क्या किया था कि इन सबको गिरफ्तार किया था। इसने पांच बार इस काल को अध्यादेश का काल कहा जाता है। ठीक, ये बात नीचे को इसके नीचे सरदार पटेल सहित लगभग सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। बीस हजार लोगों को जेल में भर दिया गया। लोगों में आंदोलन के प्रति कम उत्साह देखकर उत्साह में कमी देखकर गांधी जी ने 7 अप्रैल 1934 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। 7 अप्रैल 1934 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अब यारों सांप्रदायिक पांचार और इसका दूसरा नाम क्या है? कमेडियल अवार्ड। ये सांप्रदायिक पांचार क्या है? इसका नाम ही संप्रदाय पहचान है। संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन, सीधे शब्दों में आप कहें संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन। देखो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, गांधी जी ने क्या किया, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 4 जनवरी 1932 को। द्वितीय गोल में सम्मेलन के बाद आपको बता दे एक घोषणा की गई थी, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? रेंजे मैकिन। आपको बता दे ये घोषणा इसकी कब हुई? घोषणा 16 अगस्त 1932 किसकी? सांप्रदायिक पहचान। 16 अगस्त 1932 की उसी की घोषणा हुई और यहीं पर अंग्रेजों ने फिर दोबारा बांटो और राज करो की नीति का फार्मूला अपना दिया। बांटो और राज करो की नीति का फार्मूला अपना असली रूप सामने आया। अंग्रेजों का तो अंग्रेज है, उनका बांटो और राज करो का जो फार्मूला है या असली चेहरा सामने आया यहाँ पर भी, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हमारी बात समझना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? रेंजे मैकडोनाल्ड ने ही ये बात सांप्रदायिक पहचान के लिए बात कही थी और इन्होंने 16 अगस्त 1932 को निर्णय सुनाया। क्या निर्णय सुनाया? इसके आधार पर वही गोल में सम्मेलन के आधार पर इन्होंने ये सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी।
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित करनी थी जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन आयोग, हमारे पास समझा पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाए, और पृथक मतलब अलग अलग किया जाना था। अब मुसलमान सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक थे, अब क्या हुआ इसी के तहत नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी हिंदुओं से अलग मानकर अल्पसंख्यक की श्रेणी में बांट दिया गया। इस आधार पर यही बात आगे चलती तो तीन देश के बंटवारे होते थे, एक तरफ सिख जाए, एक तरफ मुस्लिम जाए, एक तरफ दलित। इन बंटवारों को और चौथा हिंदुओं के लिए हो जाता, ये चार हिस्से बंटवारे की स्थिति के आधार पर उस समय महात्मा गांधी कहा थे, महात्मा गांधी ने 4 जनवरी को किया और यहाँ पर 16 अगस्त है। अब महात्मा गांधी तब तक जेल में पहुंच चुके थे, यह बड़ा जेल में जब उन्हें एक बात पता चली कि ये तो हमारे देश का बंटवारा किया जा रहा, जब बंटवारा किया जा रहा तब उन्होंने हमारा अनशन रखना शुरू किया। ये बात को सांप्रदायिक पंचांग या इसको सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल एवार्ड इसको डालिए। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की, रैंजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की, रैंजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। हमने एक ही देखो सुनाया आपको, ज्यादा है दिखाई एक लाइन, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। अब हमारी एक बात सुन लीजिए, हमने रैंजे मैकडोनाल्ड की घोषणा की बात कही, कभी कभी एक शब्द छोटी परीक्षाओं में छुपा दिया जाता है कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसने की, उसमें रैंजे मैकडोनाल्ड नहीं दिया होगा, तब वहां पर दिया होगा जॉर्ज पंचम, और जॉर्ज पंचम उस समय इंग्लैंड के राजा थे। अगर रैंजे मैकडोनाल्ड शब्द का प्रयोग ना करना तो जॉर्ज पंचम होगा, क्योंकि कई किताबों में जॉर्ज पंचम का उल्लेख मिलता है, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जैसे अपने राष्ट्रपति की स्थितियां हैं ऐसे वहां राजा की स्थितियां हैं। इसी स्थिति के आधार पर रैंजे मैकडोनाल्ड को मैंने लिखाया है, और यही ज्यादातर सही माना जाता है, और यही आयोग भी मान रहा है, आपको बता दे रहे हैं छोटी परीक्षाओं में कभी कभी इसको देते हैं, ठीक। जॉर्ज पंचम को ये नाम मिले तब, अब देखो नीचे देखो, गांधी जी ने इसके विरोध में इन्होंने 16 को घोषणा की, गांधी जी ने इसके विरोध में 20 अगस्त 1932 को पूना जेल में अमरण अनशन प्रारंभ किया, पूना जेल में अमरण अनशन प्रारंभ किया 20 सितंबर 1932 को जेल में अमरण अनशन प्रारंभ किया। आप देखो पहले बात सुन लो, जब ये बात रैंजे मैकडोनाल्ड की बात सुनी महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने कहा हमारे देश का बंटवारा हो जाएगा, इस बंटवारे को हमें बचाना है, तो बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, यरमला जेल में ही 20 सितंबर 1932 को अमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। जब अमरण अनशन उन्होंने प्रारंभ कर दिया, वैसे वो दुबले पतले सूखे थे, अब उनका स्वास्थ्य और तेजी से गिर गया। जब स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा और गिरने के कारण अंग्रेज भी चिंतित और भारतीय नेता भी सब चिंतित, अब अमरण अनशन रखने के दौरान भारतीय नेता भी जब चिंतित होने लगे, तभी मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राजगोपालाचारी
इन्होंने गांधी जी से मिले और उधर जो दलितों के लिए प्रथम निर्वाचन की बात कहती कही जाती है वो केवल अम्बेडकर साहब की बदौलत ही मिल रही थी। जो अगर अंग्रेजों ने कहा कि अगर ये मान जाए तो हम अपने आप को बदलवा देंगे, तो उधर अम्बेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच जब ये समझौता कराने के लिए लगभग मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुतमदास बंदर, राजगोपालाचारी, इन सब लोगों ने मिलकर के गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता कराया है वो समझौता 20 से शुरू होता है और 26 सितंबर को ये समझौता होता है। 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूना पत्र के माध्यम से जानते हैं। और यही जो समझौता होता है, इस समझौते में जब ये बात आती जब वो सहमत हो जाते तब जाके अंग्रेजों फिर से निर्णय लेना पड़ता है और उसके बाद में ये के वो आता है क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद में तृतीय कुल के सम्मेलन होता है, तब तृतीय कुल के सम्मेलन होता है और तृतीय कुल के सम्मेलन में क्या निर्णय निकल के आता है, फिर 1935 का अधिनियम बनता है। देखिए क्या यह पहले डालो पूना समझौता, पूना पैक्ट कब है, 26 सितंबर 1932। उसमें देखिए सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी नर्मदा जेल में थे। गांधी जी ने प्रबल विरोध किया मांग न मानने के कारण 20 सितंबर 1932 को जेल में अमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को जेल में ही अमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य काफी तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरुषोत्तम दास सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी व अंबेडकर के मध्य समझौता छब्बीस सितंबर 1932 को समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। अब जब पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ तो उस समझौते में क्या किया गया, कुछ तो बातें उनके आती हैं। तो पहली बात तो आपको बता दें, दलित हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अम्बेडकर ने मान की बात मानी कि उनके लिए हमें बंटवारा नहीं, अलग बात है, स्थितियां बहुत लंबी है, पूरा व्यक्ति की बात की जाए तो, लेकिन उतने शब्दों में बताए तो पूरी क्लास क्लास क्या दो तीन क्लासे जाएंगी, वो अलग चीज है। जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त मान लिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में जो आरक्षित सीटों की संख्या थी वो 71 से बढ़ा करके 148 हो गई। विधानमंडल में सीटों की संख्या जो है वो 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों के
बढ़ोतरी की गई, दलितों के लिए बढ़ोतरी की गई, ये तीन नियम खाली बनाए गए थे। यही बात, ये दलितों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त की। पहला पॉइंट लिखना, दलितों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त। नंबर दो, प्रांतीय विधानमंडलों में, प्रांतीय विधानमंडलों में, प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर, एक शब्द ध्यान रखना, 171 से 148 का, कभी कभी 147 भी आपकी किताबों में मिलेगा। ध्यान रखना, ये सीटों की संख्या कभी कभी 47 भी आपकी किताबों में मिल सकती है। सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में 148 ये था, केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें, 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की। अब यहाँ की बात यहाँ पर सुन दीजिए। अब जैसे इनका पूरा पैक्ट तैयार हो जाता है, उधर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी होता है। अब जानिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन, हमने दो ही गोलमेज सम्मेलन पढ़ाए हुए, अब जानिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। जानते हो ये क्रम जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको किताबों में भी ज्यादा पूरा क्रम नहीं मिलेगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ, 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक, 24 दिसंबर 1932। तो ये बात ये हो गई, ये तो ये इधर भारत में झगड़ा चल रहा है, लेकिन सरकार अपने संवैधानिक सुधारों का क्रम जारी कर रही है। वो अपने संवैधानिक सुधारों के क्रम के आधार पर काम करना शुरू कर दी, और उसने केवल उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को फिर से बुलाया जो कांग्रेस अंग्रेजों की सरकार के विपक्ष में ना। मोहम्मद अली जिन्ना को इसी बात के जिक्र के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, अगर कोई बात कभी क्वेश्चन पूछ जाए बड़े स्तर पर, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस पार्टी को, किस व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बुलाया गया था, बाकी से सबको आमंत्रित हालांकि किया गया, केवल मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बुलाया गया था। जब द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, उस समय जो देखा जाए उस समय भारत सचिव कौन थे, अभी हमने पीछे भारत सचिव बताए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का गांधी जी की परिचय जाट पंचम से किसने करवाया था, कौन था भारत सचिव, सैमुअल होर। उनका नाम क्या है, आपने क्या लिखा है, सैमुअल होर, भारत सचिव सैमुअल होर। हमारी बात समझना, भारत सचिव सैमुअल होर, यही भारत सचिव है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में है, वही तृतीय के समय में। ये सैमुअल होर है, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाने के विपक्ष में थे। ये कहते थे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन की आवश्यकता ही नहीं है, क्या जरूरत है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत सचिव ये जो थे, ये सदैव इसके विपक्ष में रहे, इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था तृतीय गोलमेज, और उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो सरकार के पक्ष में हो, विपक्ष में ना हो, विरोधी की संभावना ना हो। और यही 24 दिसंबर 1932 को जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद
इसी पर कानूनी कार्रवाई बनती है और बन करके यही 3 अगस्त 1935 को जब इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है तब भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से यही विधेयक भारत में आता है, यही 35 के नाम से विख्यात भारत शासन अधिनियम 1935। यही बात ये ब्रिटिश सरकार ने अपना संवैधानिक सुधारों का क्रम जारी रखा। ब्रिटिश सरकार ने अपने संवैधानिक सुधारों का क्रम जारी रखा। 17 नवंबर 1932 को 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। भारत सचिव इनके आगे सर लगा रहे थे, भारत सचिव सर सैमुअल हूड, सर सैमुअल हूड वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। भारत सचिव सैमुअल हूड तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया। इस सम्मेलन में केवल ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया जो सरकार के विरोध में ना, जो सरकार के विरोध में विरोध की संभावना ना हो। अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी थे, अधिकांश प्रतिनिधि उदारवादी थे। चौबीस दिसंबर 1932 को अब देखना, ये बात आपके कम किताबों में मिलेगी जो हम आपको यहाँ पर लिखा रहे हैं। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। देखना श्वेत पत्र का मतलब उस पर कानून बनाना है। श्वेत पत्र जारी किया गया, श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए आपको बता दें जो श्वेत पत्र है, ध्यान देना यहाँ पर, श्वेत पत्र मार्च 1933 में जारी किया गया है। ठीक, श्वेत पत्र जो जारी किया गया है वो मार्च 1933 में जारी किया गया और इस पर एक कमेटी गठित की गई जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता में और कहा गया कि आप इस पर विचार विमर्श करें। श्वेत पत्र जो कहा जाता है, श्वेत पत्र जो मार्च 1933 में नए गोलमेज सम्मेलन, इसी श्वेत पत्र के आधार पर ही संवैधानिक विचार विमर्श होगा। ठीक, क्या लिखा है, मार्च 1933 में श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिंडनिथगो की अध्यक्षता में लॉर्ड की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक समिति बनाई गई। ब्रिटिश संसद में एक समिति बनाई गई, समिति बनाई गई जिसने 22
अक्टूबर 1924 को, 22 नवंबर 1924 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 1924 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। साहित्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा लिख लो कि समझा दे रहे हैं। साहित्य समिति की रिपोर्ट के आधार पर सेमुअल होर ने 19 दिसंबर 1924 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। 19 दिसंबर 1924 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। तीन अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने उसे अपनी सम्मति दे दी। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने उसे अपनी सहमति दे दी। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से दिखा। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से दिखा। आप देखो ऊपर से जितनी लाइनें लिखी, जहां पर आपको कंफ्यूजन लगे तुरंत इसको 8 मई 1935 को अस्पृश्यता 8 मई 1933 को अस्पृश्यता का अंत करने के लिए जेल में ही 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। जेल में ही 21 दिन का उपवास प्रारंभ किया। उपवास प्रारंभ किया। सरकार ने जेल से रिहा कर दिया। अब जिन्होंने उपवास प्रारंभ कर दिया तो सरकार ने क्या किया, इन्हें जेल से रिहा कर दिया। कहे जाओ तुम तो नहीं जेल पाएंगे, बार बार तुम उपवास करोगे, हमारे ऊपर दबाव बन रहा है, रिहा कर दिया। वर्धा स्थित सत्याग्रह आश्रम में रिहा कर दिया। वर्धा स्थित सत्याग्रह आश्रम वापस आ गए। अब फिर से गांधी जी वापस आ गए। अब जब गांधी जी वापस आ जाते हैं, तब इन्होंने क्या किया, 1 अगस्त 1933 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल, इन्होंने गांधी जी को असफल राजनीतिक व्यक्ति घोषित किया। गांधी जी इसी बात पर नाराज हो गए। और नाराज उधर जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये दोनों लोग मिलकर के महात्मा गांधी की जैसी की तैसी करते रहते थे। जब देखो और लोग भी संसद में होने लगे तो महात्मा गांधी वास्तविक रूप से नाराज हो जाते हैं। ऐसे मान के चलिए अक्टूबर 1934 में महात्मा गांधी ने क्या किया, राजनीति से संन्यास ले लिया। कहीं कहीं 36 दिसंबर मिलेगा, ठीक लिखा देंगे। अक्टूबर 1936 में कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और क्या किया, सक्रिय राजनीति से ही संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन फिर भी लालच नहीं गया। लालच कैसे नहीं गया, वो थोड़ा सो जब त्रिपुरी है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, तब सुभाष चंद्र बोस क्या बने थे अध्यक्ष, और हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। पुनः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते,
इसी बात को लेकर के गांधी जी ने कहा कि ये बात गलत है सुभाष चंद्र बोस से, आप ही हर बार में नविवा बनने के चक्कर में। तो वो कहते थे गांधी जी तुम कुछ कर पाए हो, ये बार बार कुछ करते हो, फिर जब तक लोग बढ़ते हैं तब तक फिर वापस चले जाते, ये बात ठीक नहीं है। तो उन्होंने तुरंत फिर से कहा कि नहीं, तो गांधी जी का नहीं। अब गांधी जी गुस्सा हो, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, अच्छा उस समय सर्वे सर्वा अबुल कलाम आजाद को सभी लोग अध्यक्ष बनाना चाहते, जो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ना अबुल कलाम आजाद को सर्वे सर्वा सभी लोग बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की सहमति देखकर उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, वो नहीं लगे और वो अध्यक्ष चयनित हुए। सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा, उधर गांधी जी ने पट्टा सीता रमैया को लड़ा। अब गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जैसा एक जैसे कहें गुणवान व्यक्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके सामने नहीं दिख पाए, और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपनी विजय प्राप्त की और स्वयं अध्यक्ष बन गए। अब अध्यक्ष बन गए तो गांधी जी ने कहा पट्टा भी सीता रमैया हार गए, तो उन्होंने कहा पट्टा भी सीता रमैया की हार हमारी हार। तो तुरंत ही गांधी जी ने क्या किया, तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा ठीक है, आपने न्याय निर्णय की एक कमेटी गठित की गई, कहा कि हम अध्यक्ष जरूर है लेकिन जो कमेटी है वो अपने नाम की आप करो। लेकिन गांधी जी कहने लगे नहीं, मैं नहीं ऐसा करूंगा। मतलब कई एक परिस्थितियां ऐसी विपरीत उत्पन्न कर दी जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस डाक में कहते हैं कि ऐसे राजनीतिज्ञों ऐसे भारतीयों के साथ रहना मेरा संभव नहीं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करना मेरी प्राथमिकता है। लेकिन वही धीरे धीरे 2 से 3 साल ऐसे गुजरते हैं, सुभाष चंद्र बोस मजबूरन भारत से बाहर जाते हैं, मजबूरन बाहर जाते हैं। वो कैसे जाते हैं वो बात की बात करता है, जब गांधी जी को ये बात कही गई लेकिन गांधी जी ने अन्याय निर्णय नहीं कर किया, तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि उनको अपने पद से त्याग पत्र दिया। तब गांधी जी के चहेते राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, इसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाया गया, वो गांधी जी के चहेते। जब गांधी जी के चहेते, वैसे थोड़े दिनों बाद कांग्रेस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा निकाल दिया गया, और निकाल देने के बाद 3 वर्ष तक कांग्रेस में वो सम्मिलित नहीं रह सकते। इस बात पर गुस्सा करता पहले नीचे लिखो फिर चलते आश्रम। एक अगस्त 1933 को गांधी जी ने गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। जिसे वो होते हैं विनोबा भावे, पहले उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन को, सुभाष चंद्र बोस व मित्तल भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस व मित्तल भाई पटेल ने, मित्तल भाई पटेल ने गांधी जी को असफल राजनीतिक व्यक्ति घोषित किया। अगला पॉइंट लिखना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा महात्मा गांधी छड़ी भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी छड़ी भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, इस तरह नहीं छड़ी भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, इस तरह
नहीं उठाते। जैसे इसका मतलब हुआ कि अपने शब्दों में हम बात कहें कि वो क्या गोल गोल धो के चलता है गर्मियों के समय, बवंडर बिहार की भाषा में बताओ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गर्त में चले गए, इन्होंने यही बच्चे उनका चेस्ट विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक नीचे लिए अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। देखो ये भारतीय आंदोलन के की बात हम अभी कर रहे हैं, आपको बता दें उधर अभी अपने 1935 के अधिनियम से सरकार का जो चुनाव करवाते हैं वो हिस्सा यहाँ पर दो पार्ट बन जाते हैं, एक साथ में दो पार्ट नहीं चला पा रहे, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग पढ़ाएंगे। क्योंकि एक तरफ इनकी अध्यक्षता की बात आएगी वो दूसरी सिंपल चीजें वो आप भी जान सकते हो, इधर वाली आपको देश बता के चल रहे हैं, अगर मौका मिलेगा तो उधर का भी पूरा कर दो। फिर आइए कांग्रेस त्रिपुरी संकट, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट के लिए आपको बता दें, जैसे कांग्रेस ने 1938 से की बात है, 1938 की बात है, कांग्रेस ने हरिपुरा गुजरात हरिपुरा का था कांग्रेस का हरिपुरा हरिपुरा का बताए गुजरात गुजरात में जो सम्मेलन हुआ था वार्षिक सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। इन चीजों को ज्यादा डिटेल पढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं है कि ज्यादा डिटेल की जब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता कर ली, क्योंकि महात्मा गांधी से कुछ हो नहीं पा रहा और स्वराज की मांग हमारे ऊपर बढ़ती जा रही, क्रांतिकारी गतिविधियां नौजवान बहुत ज्यादा उधर हिंसावादी, देखो अभी हमने अहिंसावादी को सब चल रहा, हिंसावादी का हित क्षेत्र चार हिंसावादी गतिविधियां चल रही है उनके सभी क्षेत्र छुपे पड़े हैं, वो भी अभी आपको बता रहे। जब इसने कांग्रेस का हरिपुरा जो गुजरात अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे, इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस पुनः 1939 में वो चाह रहे थे फिर से हम कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष पुनः बने और इसी बात के लिए दूसरी बार और इसी समय जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे उसी समय क्या किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। इसी समय राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी और इस योजना समिति के अध्यक्ष जेआर नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, इस योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसी समय अन्य सदस्य जैसे घनश्याम दास बिरला, लाला श्रीनिवास, विश्वेश्वरैया, ये सभी लोग इतने सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर अध्यक्षता समाप्त होने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस पुनः चुनाव लड़ने की बात करते हैं तभी महात्मा गांधी को ये बात खराब लगती है और उन्होंने कहा कि नहीं अब अध्यक्ष आप नहीं हुए हो, जबकि महात्मा गांधी राजनीति से संन्यास ले चुके लगभग ले ही चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं इसलिए आ गए हैं, कहते नहीं राजनीति में बने जुड़ रहे हैं। नहीं किया था वो जो किया था जिस शब्द को आप पहले प्रयोग कर रहे हो वो शब्द का केवल उन्होंने कुछ
चेकिंग पल के लिए थोड़ा सा, क्योंकि उस समय उनका ये मोटिवेशन था कि अगली बार अध्यक्ष हमारे घर का होगा, तब उनकी सहमति बनी। लिखिए नीचे। अच्छा, तब सीधे एक नंबर तब तो आप आ में लगाओगे, जब गहराई से पढ़ोगे तब इसको नहीं के शब्द जाओगे, लेकिन वहां तो बातें भी उसका लिखिए। 1938 के कांग्रेस, इसमें लिखिए कांग्रेस का त्रिपुरी सरकार, इसको अच्छा करो लिखाई देते साथ। 1938 के कांग्रेस हरिद्वार गुजरात, कांग्रेस हरिद्वार गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने। नीचे एक शब्द लिख दीजिए, इस समय महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस का सहयोग किया। सीधे शब्द दिखाई दे रहे, ठीक, सहयोग किया दूसरी राज्य को। इसी अधिवेशन में बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। अध्यक्ष ये है, जिसके अन्य सदस्य पहले डाल दीजिए, घनश्याम बिरला कहते हैं, बीच में हटा दें एक शब्द साथ हो जाएगा, घनश्याम बिरला, फिर लाला श्रीनिवास और एक डाल दीजिए विशेष रैया आदि थे। इस पर एक बात अलग विशेष रैया आदि थे, ये तीन में पूछे जाते विशेष रैया आदि थे। अब डालो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक, जबलपुर मध्य प्रदेश। और इस बार गांधी जी ने क्या किया, बोस लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थे, ये बोस की कमी समझो या कुछ भी समझो। और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद वो सर्वे सर्वा अगर देखा जाए कांग्रेस में उनकी सर्वसम्मति से वो अध्यक्ष बनने की जीत गया। महात्मा गांधी भी जान रहे थे मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लड़ने के कारण उन्होंने क्या किया, वो पीछे हट गए। तब उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अपनी तरफ से पटना में सीतारमैया को चुनाव लड़ाया, और जब वे चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में पटना में सीतारमैया हार गया, हारने के बाद उन्होंने कहा कि पटना में सीतारमैया की हार मैंने कर दिया। यही बात लिखी है, ये इतना लिखो त्रिपुरी अधिवेशन 1948 जबलपुर मध्य प्रदेश। इसमें लिखिए सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते, सुभाष चंद्र बोस लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया, हमने साठ किया समझा दिया, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने वाले। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया, तब गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभि सीतारमैया
को अध्यक्ष पद हेतु अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में खड़ा किया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभि सीतारमैया को हराकर लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने नोट करके चाहिए उसी के नीचे नोट। गांधी जी ने पट्टाभि सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। गांधी जी ने पट्टाभि सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया। बोस ने कांग्रेस कार्यकारिणी की नियुक्ति का जिम्मा गांधी को दिया। परंतु गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमको कार्यकारिणी समिति के जितने भी सदस्य चुनने के अधिकार तो गांधी जी को दे दिया, लेकिन गांधी जी माने नहीं। गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अप्रैल 1939 में बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर नया मंत्री ना गांधी के चहेते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नया अध्यक्ष चुना गया। अब गांधी जी के अध्यक्ष बना लिए गए, क्या सुभाष चंद्र बोस चुप बैठ गए? तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने तीन मई 1939 को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और फिर अगस्त 1939 में कांग्रेस कमेटी और बंगाल में कांग्रेस की जो कमेटी अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वहां से कांग्रेस कमेटी के लोगों ने हटा दिया, ठीक हटा दिया गया। और तब उन्हें कांग्रेस के सभी पदों से धीरे धीरे सबको मुक्त कर दिया गया और 3 वर्ष के लिए उन्हें आयोग घोषित कर दिया। कांग्रेस में 3 वर्ष के लिए उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। तब वो क्या हुआ, एक सत्रह जनवरी 1941 को बोस कलकत्ता से मौलवी के भेष में भारत से निकले हैं और निकल करके ताबूत के रास्ते मास्को होते हुए बर्लिन पहुंच गया। और बर्लिन पहुंचकर वहां से हिटलर से मिले, जिन्होंने बोस को नेताजी की उपाधि दी और रांची बर्लिन के नेता बर्लिन में ही नेताजी ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। बर्लिन में ही और जून 1943 में हिटलर की वोट से बैठकर वो जापान हो गया, ठीक यही जब कांग्रेस से निकाल दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तभी वो गुस्सा के जाते हैं। एक नवयुवा को किस तरीके से उसका भविष्य बर्बाद किया है, भारत को बर्बाद किया, राजनीति में गहराई से इसकी इतिहास को पढ़ोगे तो आप जाग जाओगे। फिर जब जापान पहुंचते हैं वहीं पर फिर जापान में क्या क्या करते हैं ये सभी चीजें ये अगले दिन उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध था। पहली बात तो जो जर्मनी और ब्रिटेन में ध्रुवीय और मित्र राष्ट्र के लड़ा है वो उन्हीं की बात आती है। क्या कहता है